हेलो फ्रेंड्स, आज हम मास्क बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए इस तरीके का जो पॉलीथीन आता है इस मटेरियल में आप देख सकते हैं, आप ये ले लीजिए। फिर इसके बदले आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो इसके किनारे हम काट लेंगे। इसे काटने के बाद ये देखिए, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा ये। इसे हम बीच में से काट देते हैं और दो मास्क बन के तैयार होगा हमारा। इस तरीके से फोल्ड करते जाइए और सिलते जाइए। इस पे पहले हम रफली इसी तरीके से सिल लेंगे और जब ये पूरी तरीके से इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा तब हम इस पे एक मजबूत सिलाई मार देंगे। तो ये देखिए, इस तरफ ये तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से इस तरफ भी करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे हम। ये देखिए, ये इस तरीके से हो गया है। मेरे पास दूसरी पॉलिथीन है और ये येलो कलर में है, तो इसे भी हम थोड़ा सा लंबे में पतले में काट लेंगे। लेस की तरह, जिस तरीके से एक लेस होता है उस तरीके से हम 2 इंच में इसे काटेंगे। तो ये हमने काट लिया है और ऊपर से हम इसे बराबर कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें ये इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। निकला है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और इस तरीके से मोड़ के ऐसे हम इसे सिल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस पे सिलाई कर देंगे। इसी सेम तरीके से हम इस तरफ भी सिलेंगे, ये दूसरा पीस लगाकर। दोनों तरफ से इस तरीके से सिल लेने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है इलास्टिक। इलास्टिक अगर आपके पास ना हो तो पुरानी पैंट पड़ी होती है जिसमें इलास्टिक होता है, आप निकाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। या पुरानी पैंट भी ना हो तो घर में डोरी होती है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जब इलास्टिक लगाते हैं तो इलास्टिक थोड़ा सा छोटा भी लग जाए तो चल जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेच होता है। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो आप मास्क को अपने फेस पे रखिए और कान तक पहले नाप लीजिए। नाप लेने के बाद आप डोरी काट के फिर लगाइए। हम इस तरीके से एक एक यहाँ पे सिल देंगे और एक यहाँ पे सिल देंगे, तो दोनों कोने पे हम एक एक इस तरीके से पकड़ के सिल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा इस तरफ से सिल गया है। अब सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलेंगे। हमारा मास्क बन करके तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मास्क बन करके तैयार है। इलास्टिक थोड़ी सी ढीली है तो मैं इसे एडजस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे हम इसे अंदर की तरफ से थोड़ा सा और सिल देंगे तो ये इस तरीके से टाइट हो जाएगा और ये इस तरीके से हमारे फेस पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो आप पहन करके फाइनल टच देख लीजिए, आपको अगर ढीला लग रहा है तो इलास्टिक को यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं। ये देखिए, आपके फेस को पूरी तरीके से अच्छे से कवर कर रहा है, बस मुझे इलास्टिक थोड़ा सा और टाइट करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से घर पे मास्क बना करके पहन सकते हैं। अगर मार्केट में मास्क नहीं मिल रहा है और शॉर्टेज के वजह से बहुत ज़्यादा महंगा भी हो गया है तो आप इस तरीके से घर पे मास्क बना सकते हैं। आप चाहे तो कॉटन के कपड़े से भी बना सकते हैं सेम मास्क। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।